अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में कुछ आबाद होंगे। अच्छा जी, आज मैं बनाने लगी हूँ व्लॉग। घर में बिलाल कर रहे हैं कुकिंग, तो मैंने कैमरा कर लिया ऑन। मैंने कहा बिलाल पिज्जा बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो आज मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आप घर में कैसे पिज्जा बना सकते हैं। और आज मेरे हस्बैंड कुकिंग कर रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए भी, जाहिर सी बात है। तो फिर अभी जाते हैं किचन में और देखते हैं कि बिलाल क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा प्लान कुछ और बनाने का हुआ था। अभी अंदर से बिलाल की आवाज़ आई, अभी सफर करो। लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि बिलाल को होता है हर चीज में जल्दी 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 मैं कर लूँ, क्योंकि मैं बिलाल की नेचर से वाकिफ हूँ। इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर लिया कि अब बिलाल जो भी नेक्स्ट करेंगे ना स्टेप, वो मैंने रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब मैं पिज्जा की रेसिपी दिखाना ही चाहती तो स्टार्ट से दिखाती हूँ। तो चिकन को बिलाल अभी किचन में कुछ कर रहे हैं, तो अब मैं बैक कैमरा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ रेसिपी जो बिलाल बना रहे हैं, पिज्जा बिलाल कैसे बनाते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग किचन में आ चुके हैं, मिल लिए बिलाल से। बिलाल मेरे सब्सक्राइबर्स को अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलाम वालेकुम। आज बिलाल बना रहे हैं पिज्जा, तो हम लोग किचन में, मैंने अपना मोबाइल सेट कर लिया है। थैंक यू सो मच मरियम फॉर रिंग लाइट, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। ओके, मैंने कहा उसको थैंक यू कर दूं, तो उसका फायदा ये हुआ कि वो है छोटी, ठीक है, अब बड़ी वाली नहीं है, तो वो मैंने किचन में भी सेट कर लिया। तो अभी बिलाल क्या कर रहे हैं आप? अभी बिलाल थोड़ा सा स्ट्रगल करें, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। बिलाल लेकर आए चिकन और बिलाल ने मुझे ला के चिकन दिया, तो मैंने उसको कहाँ रख दिया? बिलाल फ्रीजर में। हाँ, तो मैंने वो रख दिया फ्रीजर में, तो अब वो हो गया बहुत ज्यादा हार्ड और बिलाल स्ट्रगल कर रहे हैं उसको खोलने की। जबकि मैं कह रही हूँ थोड़े से सबर के साथ उसको कवर करके रख दें, वो सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि बिलाल को बहुत जल्दी होती है खाना बनाने की, तो अभी बिलाल वही गर्म ऑयल के अंदर ना उसको छुरी से पीसेस करें कि वो जल्दी से जो बोटियां ना वो खुल जाए, ठीक है। अभी सिर्फ बिलाल ने चिकन डाला कढ़ाई के अंदर, जैसे ही स्टार्ट होगा पिज्जे का प्रोसेस बनना मैं बैक कैमरा कर दूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी। अभी मैंने कहा जरा मैं भी सलाम कर दूंगी और बिलाल से भी सलाम करवा लूं। मीट माई हस्बैंड, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बता दूं कि आपने पिज्जा के लिए वेजिटेबल कौन सी लेनी है शेफ, आप बताएंगे। शिमला मिर्च लेके आओ, टमाटर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं कट करने लगी हूँ वेजिटेबल। मैंने कहा आप लोग के सामने जरा मैं वॉश कर लूँ और फिर हम कटिंग करते हैं और फिर आप लोग को कट करके दिखाते हैं। अच्छे से लेना जैसे मैं करता हूँ। गजब बेइज्जती है, नहीं कर सकती। बहुत बहुत नीट वेजिटेबल कट करते हैं, मैं इतनी नीट नहीं करती। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर कट करने लगे हैं लाइव, ठीक है। ये अब आप लोग लाइव देखें, ये यहाँ से ट्रे है ना, ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था, तो ये यहाँ से जल गई है। अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी किया, उसके बावजूद यहाँ पे भी निशान है, ठीक है। अभी बिलाल इसको करेंगे जल्दी जल्दी से कटिंग, जब तक मैं कोई और काम। ओके, तो बिलाल यहाँ पे जो है वेजिटेबल कट कर रहे थे, उसमें टाइम लग रहा था जिसकी वजह से मैंने फास्ट मोड करके इसके साउंड को रिमूव कर दिया और मैंने कहा चलिए मैं आपको बोल कर ही बता देती हूँ ये बात। नहीं जोश हो रहा, मैं क्या करूँ? 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से कटिंग की, वो तो भैया किसी की मुस्कुराहटों पे जाने साथ, किसी का प्यार भी मिले तो ले लो चाल, जीना इसी का नाम है। दीदी वाह दीदी, दीदी अच्छे ना वालों, वीडियो बीच में बंद भी कर दो ना। नहीं ना, वीडियो इतना नहीं बंद करनी है, मैं दिखाना चाहती हूँ हम काम करते हैं तो क्या क्या कर। आज लोगों ने बोलना नहीं, मेरा पागल हो गई थी। नहीं मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ पिज्जा खाने के लिए। बिलाल तक अभी बिलाल ने मुझे ताज़ा ताज़ा वेजिटेबल कट करना सिखाई है, तो मेरी बारी आ गई है, तो मैं कट कर रही हूँ। पसंद बिलाल को बिल्कुल नहीं आनी मेरी कट की हुई, इसलिए मैं कर रही हूँ। एक एक पकड़ के क्यों कर रहे हो? एक एक पकड़ के नहीं कर। ये लो। ओह वाह, यू आर जीनियस, यू आर जीनियस। बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये अगर मेरे हंसने से कोई डरेगा तो प्लीज डरिए, मैं तो ऐसे ही हंसूंगी, मैं अपना हंसना नहीं छोड़ सकती, मैं ऐसे ही हंसती हूँ। नेचुरल है, अंदर से आती है, ठीक है। अब चिकन हो गया, अब जल्दी नहीं हुआ, से अभी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगी कि चिकन के अंदर आपने क्या ऐड करना है। बिलाल जब पिज्जा बनाते हैं तो वो कौन सी रेसिपी एक ऐड करते हैं चिकन में जो बहुत टेस्टी हो जाता है, फिर पिज्जे के ऊपर हम उसको डालते हैं। अभी बताऊंगी, अभी जरा मैं वेजिटेबल्स कट कर लूँ।
ओके मैं आप लोग ओके तो ये बिलाल लेना चिकन को क्या किया बिलाल ये चिकन का थोड़े से ऑयल में फ्राई किया बिलाल इसका ना पानी निकाल रहे हैं ठीक है सिंक में डाल रहे हैं ये चिकन है ये देख लेंगे चिकन है और ये बिलाल इसका ना पानी निकाल रहे हैं ऑयल के अंदर थोड़े से बिलाल ने इसको किया है ऐसे कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाए ठीक है अब मैं आपको दिखाती हूँ बिलाल इसमें नेक्स्ट क्या ऐड ओके तो अब जो चीज इसके अंदर ऐड होने जा रही है बिलाल पहले बॉक्स दिखाएं क्या ऐड कर रहे हैं आप इधर लाएं चिकन के आगे लेकर आए ये बिलाल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं चिकन टिक्का ठीक है नेशनल शान जिसका भी आप लोग को मिले आप लोग को पसंद है आप लोग कर लीजिएगा ये बिलाल इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आप चिकन के अंदर ठीक है यहाँ आप लोग को दिखा रही हूँ शुक्र अलहमदिल्ला बिलाल जान तो खोल रहा था ना ये इसके अंदर बिलाल चिकन टिक्का ऐड कर रहे हैं तब ये बिलाल इसको मिक्स करेंगे और जब बिलाल मिक्स करेंगे और ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो सबसे पहला बाइट मेरे मुँह में जाता है एज ऑलवेज क्योंकि मुझे चिकन इतना ज़्यादा अगर खुद खाएंगे मुझे नहीं देंगे फर्स्ट बाइट नहीं नहीं ऐसे ही बोलते हैं बड्डे देते हैं कोई बात नहीं बोलने में अच्छा ये देख लें आप चिकन टिक्का इसमें मिक्स हो गया जब तक ये मिक्स होगा जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा फिर मैं कैमरा करके आपको दिखाती हूँ बनने के बाद भी डालना ताकि जूसी रहे हाँ थोड़ा थोड़ा ऑयल भी डालना है ताकि ये जूसी रहे ये देखें बिलाल ऐड कर रहे हैं ठीक है बहुत मज़े का चिकन होता है ये वैसे भी अगर आपके बच्चे खाते हैं ना चिकन शौक से तो आप लोग थोड़ा सा स्पाइसी वाला डाल के और ऑयल डाल के जूसी बना के बच्चे को वैसे स्पून के साथ दे सकते हैं क्योंकि मुझे तो ये सादे खाने में बहुत मज़े का लगता है ऐसे ही खाने में वैसे हम पिज्ज़ा के लिए तैयार कर रहे हैं ये माइंड में रखिएगा कहीं मेरी बात सुनने के बाद खाना लीजिएगा सारा वैसे ओके जब ये बिलाल मिक्स कर रहे हैं जब ये थोड़ा सा बनता है फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ओके चिकन मैंने आप लोगों को दिखा दिया है ऐसा है कि ये वाला मसाला बिलाल यूज़ करते हैं मैं आपको एक दफ़ा और दिखा देती हूँ इस दफ़ा बिलाल शान का लेकर आए कभी बिलाल नेशनल का भी ले आते हैं ठीक है ये चिकन टिक्का मसाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं अभी ज़्यादा थोड़ा सा ये लिटरली इतना मज़े का होता है ना सिर्फ आप चिकन टिक्का ही ऐड करके ना आपका मूड हो ना खाने का आप लोग सिर्फ यही बनाएं और बस जब ये रेडी हो जाए प्लेट में डाल के फोक ले लें मायोनीज और केचप ले लें एक एक बोटी उठाएं उसको लगा लगा के खाएं वो मज़ा आ जाएगा मुझे तो ऐसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है जब भी बच जाता है ना ये तो मैं ऐसे ही खाती हूँ ठीक है अभी जब ये बन जाता है तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ अभी करते हैं कज़न कुछ कहना चाह रहे हैं जी बोलिए उनको नहीं कहना चाह रहा आपको कहना चाह रहा हूँ डेढ़ घंटा हो गया और ये इतने बड़े बड़े पीस नहीं खाने छोटा कट उनको ये इतना बड़ा पीस है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं हस्बैंड अच्छा कोई बात सॉरी मैं आज व्लॉग में बहुत हंसने वाली हूँ बहुत बुरा हंसने वाली हूँ इग्नोर निम्रा ओके तो यहाँ पे चिकन हमारा बन गया ओ सॉरी मैं इसको हटाना भूल गई तो ये चिकन बन गया अभी मैं एक इसी बोटी उठा के टेस्ट करती हूँ स्पून से लेके बहुत मज़े का लग रहा है मैं तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से इसको देख के तो ये बहुत 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 ज्यादा मज़े का होता है ये वाला ठीक है देखे कितना जूसी है टूट ही गया बल्कि ये देखे सारे ऐसे ना खा जाना मैं ऐसे ही खा जाती हूँ बाप में खा रहे हैं ऐसे नहीं खाना तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना मतलब पूरा अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए इसके अंदर जो ये मिक्सचर है ना टिक्के का और ये जूसी जूसी हो जाए लाइक ये मेरे छोटी सी बोटी रहती थी मैं उठा के खा लूँ ओके अब बिलाल ने तवा रख दिया अच्छा बिलाल दिखाएं क्या इसमें क्या कौन से वो लेते हैं पिज्ज़ा ओके तो ये पिज्ज़ा बेस है जो बिलाल ने लिया है ठीक है हम लोग यूके में रहते हैं यूके वाले लोग तो यही ले सकते हैं पाकिस्तान में तो मिल जाती हैं जो पिज्ज़े वाले बनाते हैं वैसे रेस्टोरेंट वाले वो दे देते हैं यहाँ से ये मिलती है और ये 3 pound की मिलती है बिलाल कितने की मिलती है 3 pound हाँ 3 pound की 3 मतलब 1 pound की 1 ठीक है अब ये 3 आ गई हैं अब ये देखे मैं वेजिटेबल कट कर रही हूँ अभी एक अनियन और एक टोमेटो कट होगा बड़े बड़े नहीं कट करने ओके बिलाल अब तो कर लिया है ओके तो फिर अभी ये कट होगा ठीक है ये चिकन यहाँ पे बन गया है वहाँ पे अभी हमारे जाएंगे पिज्जा की ये भी क्या बोलते हैं बिलाल इसको पिज्जा पिज्जा इस पर पिज्जा बेस लिखा है ठीक है अब ये कट करते हैं फिर अब जब तक बिलाल उसको करेंगे लाइट सा तवे के ऊपर रख के ब्राउन ब्राउन सा वो मैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा लेकिन बिलाल लाइट लाइट सा ब्राउन ये ऐसे बिलाल हल्का सा ऑयल लगाते हैं हल्का सा फिर बिलाल उसको गर्म करते हैं ठीक है और ये अभी मैं आपको 2 बन गए हैं तो देखें जब इस तरीके का हो जाएगा ना फिर आपने निकाल लेना 2 यहाँ पे बिलाल ऑलरेडी बना के रख चुके हैं ये रे 2 अब ये 3rd हो रहा है तो मैंने कहा मैं दिखा दूँ कि कैसे बिलाल कर रहे हैं ऐसे बस लाइट सा ब्राउन करना है और आपने उतार के जब इस तरीके से हो जाए लाइट लाइट फिर आपने रख लेना उतार के ठीक है अब ये हो रहा है जब तक मैं ये भी होकर तैयार हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का पिज्जा जो है ना ये बिलाल ने 3 रेडी कर लिया है ये यहाँ पे वेजिटेबल मैंने कट कर दी है और बिलाल इसमें अब जो हमने ऐड करनी है ना वो चीज वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तो ये है 1 second बिलाल 1 second अब हमको दिखाने तो दें
ये है पिज्जा सॉस, ये हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देख लिया, मैंने कैमरा बहुत नीचे किया हुआ इसलिए मुझे बहुत नीचे होकर दिखाना पड़ रहा है। मैंने कहा आप लोग के लिए इजी हो, आप बनते हुए देख लें कि बिलाल इसको कैसे तैयार करते हैं ना पिज्जे को। ये यहाँ पे चिकन है बनाना, ठीक है साइड पे देखे बिलाल करें बनाना, इनमें से किसी ने भी नहीं है। आप सबने ये रेसिपी देखने के बाद पिज्जा बनाना है और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट भी करना और इंस्टा पे पिक्चर भी भेजनी है कि आपने बनाया है। ये इतने मजे का बनता है ना कि आप लोगों को बाहर का पिज्जा भूल जाएगा, आप घर में ही बनाया करेंगे, ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। अब बिलाल इस पर लगाने हैं पिज्जा सॉस, ये देख रहे हैं ऐसे, ओके। अब इसके ऊपर जो जो चीजें आने वाली हैं वो बारी बारी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सबसे पहले तो पिज्जा सॉस लग रहा है इस पे, ओके। और मैं यहाँ साथ खड़ी भी खा रही हूँ चिकन की टिक्के की बोलियाँ थोड़ी 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 थोड़ी, ज्यादा नहीं खा रही, ओके। बहुत मजे की, मैं सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा। और मैं क्या बोलूँ बिलाल, आप ही कुछ बोल अभी मैंने पता क्या हरकत की, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ना जब पिज्जा बनाते हैं ना तो वेजिटेबल बिलाल कट करते हैं, मैं कट नहीं करती। हुआ ये कि मैंने प्याज को सालन की तरह कट कर दिया, जैसे सालन में कट होता है। मुझे नहीं पता था इसकी शेप ऐसी ही कट होगी जैसे ये शिमला मिर्च और टमाटर मैंने कट किया। मैं भूल गई, मैं रोज सालन चावल बनाने वाली बंदी, मुझे क्या पता पिज्जे में कैसे कट होते हैं। फिर बिलाल मुझे कहते ऐसे नहीं कट हो रहे थे, फिर मैंने जुगाड़ निकाला उसी को ना ऐसे ऐसे रख के ना लाइन में और तीन तीन कट दे दिया। वो वैसे तो नहीं बने जैसे बिलाल करते हैं, बारीक प्याज के ऐसे छोटे छोटे हो गए, लेकिन चले कोई बात नहीं, खाने में तो फिर भी मजा आएगा। प्याज तो प्याज है, टेस्ट तो अपना ही देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे बिलाल ने पिज्जा सॉस लगा दिया तीनों पे पहले, क्योंकि बिलाल कह रहे हैं तीनों एक साथ बना लूं। चीज के पैकेट लेके आए, ओके। तो यहाँ पर मैंने बिलाल को चीज ला के दे दी थी। बिलाल ना होम बार्गिन पे, यूके में तो होम बार्गिन सबको पता होगा, होम बार्गिन से चीज़ लेकर आते हैं, ठीक है। फिलहाल बिलाल अपने स्टोर से लेकर आए थे, चीज़ तो एक ही होती है, आप जहाँ से भी ले लें अच्छी मिलती है। अच्छा बिलाल का ये है कि बिलाल बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करते हैं, लाइक बिलाल 3 पैकेट्स लेकर आते हैं चीज़ के, और बिलाल जो है ना वो 3 के 3 पैकेट डाल देते हैं तीनों पिज़्ज़ा में, मतलब तीनों पिज़्ज़ा में बिलाल वो तीनों पैकेट डाल देते हैं और एक एक पिज़्ज़ा में एक एक पैकेट डालते हैं। और माशाल्लाह चिकन भी 1 kg के करीब होता है, कि माशाल्लाह बिलाल ऐसे पिज़्ज़ा बनाते हैं कि अगर आप किसी टेक अवे पर जाए ना, जो वो लोग 5 पिज्जा में चीज़ यूज़ करते हैं ना, बिलाल 1 पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ना अभी यही बातें हो रही थी, मैंने कहा कि चलो मैं वीडियो को ना फास्ट मोड में करके वॉइस ओवर कर लूँगी। बाकी बातें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से ना मुझे यही था कि बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं बस वॉइस ओवर कर लूँगी। यहाँ पर बिलाल ने पहले चीज़ नीचे लगाई, क्योंकि बिलाल क्या होता है कि बिलाल को ज़्यादा चीज़ पसंद है, तो बिलाल पहले नीचे भी लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर, ठीक है। फिर उसके ऊपर सारी चीज़ें चिकन और ये शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज डालते हैं। अच्छा आगे आप लोग देखेंगे कि मैं कॉर्न भी डालूंगी, आपकी मर्जी है, मैं कॉर्न पहले भी डालती हूँ, बट मैं इस टाइम भूल गई थी क्योंकि मैं पीछे बर्तन धो रही थी और बिलाल ये सब लगा रहे थे, तो मैं पीछे थी तो इस वजह से मैंने देखा नहीं। तो कॉर्न आप ऐड करें, और कोई भी चीज़ जो भी आपको पिज़्ज़ा में पसंद हो, मशरूम, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप लोग को पसंद है पिज़्ज़ा में, आप लोग वो ला के वो सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर ये था कि 2 पिज़्ज़ा ही हमने एट अ टाइम खाने होते हैं, तो बिलाल ने मुझे कहा कि अभी 1 पिज़्ज़ा फ्रिज में रखा, फिर जब कल मैं खाऊँगा तब मैं फ्रेश उसके ऊपर चीज़ डाल के फिर उसको माइक्रोवेव करके फिर खाऊँगा। तो मैं वो 1 रखा ही थी, और उसके बाद ये बिलाल ने 2 पिज़्ज़ा में चीज़ डाली और मैंने अपने पिज़्ज़ा में जब बाद में बहुत ज़्यादा चिकन और ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे होता है कि बस चिकन बहुत ज़्यादा हो पिज़्ज़ा में, जब तक एक एक चिकन का बाइट मेरे मुंह में नहीं जाता ना, मुझे और बिलाल दोनों को सुकून ही नहीं मिलता। तो अच्छा यहाँ पर जो है बिलाल ने चीज़ डाल ली थी, उसके बाद जो है मैं तो पीछे खड़ी हुई हूँ, ये मैंने बिलाल को जल्दी से कॉर्न ला के दिए कि ओहो मैं तो कॉर्न भूल गई थी, मेरे कॉर्न तो ऐड करें, और बिलाल ने कॉर्न डाले। बिलाल को ओलिव्स बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे ओलिव्स बिल्कुल नहीं पसंद, और बस यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और इसके बाद बस मैंने ओके गाइस, तो पिज्जा हम लोग रेडी करके ऊपर आ गए हैं अपने रूम में, बिलाल कट कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, वो दिखाऊं कट कर दिया ऑलरेडी, ओके बिलाल ने अपना पिज्जा ऑलरेडी कट कर दिया है। ये देखें ये 4 पीसेस पिज्जे के हो गए हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ करीब से, थोड़ी सी ना मैंने फ्लैश लाइट वो टिकटॉक लाइट ऑन की हुई ना उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसे पिज्जा लग रहा होगा, अभी मैं बैक कैमरे से आप लोग को दिखा देती हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग का पिज्जा अब आप लोग के सामने है, ये मेरा पिज्जा है और ये बिलाल का पिज्जा है, ठीक है। अभी हम लोग ये खाएंगे और फिर उसके बाद एंड में मैं आपको रिव्यू दूंगी, मुझे पता है ऑलरेडी ये बहुत मजे का होगा, इसलिए अब कैमरे में तो बैठ के नहीं खाने वाले, भूख इतनी लग रही है इतनी देर से इसको बनाया, बिलाल से तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही, तो ठीक है अब हम लोग पिज्जा खा के उसके बाद बातें करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। बिलाल आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मेरा? पता नहीं, देखूंगा तो पता चलेगा। गजब बेइज्जती है।
साथ इन्होंने बनाया, फिर भी देखेंगे तो पता चलेगा। खैर ये था मेरा आज का ब्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया। आज हमने पिज्जा बनाया जो कि बहुत 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 टेस्टी बना। आप जब बनाएंगे खाएंगे तो जरूर मुझे कमेंट में बताएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाता है। बाहर के पिज्जा लेने से अच्छा थोड़ा सा मस्ती करते करते आप खुद ही किचन में बना लें और फिर जब आप सबको खिलाएंगे सबको बहुत मजे का लगेगा। ये पिज्जे की रेसिपी मेरे हस्बैंड की है, तो थैंक यू सो मच इनको कि इन्होंने आज पिज्जा बनाया, मुझे भी खिलाया और खुद भी खाया। अच्छा बाकी जब आप व्लॉग देख लेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।